आज हम खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो खिचड़ी, एक खिचड़ी तीन प्रकार की बनेगी। तो ऐसे तो देखो, एक आदमी आजकल बहुत बीमारी का दौर चल रहा है, तो बीमारी में भी आदमी खिचड़ी ही खाता है क्योंकि पेट हल्का रहता है खिचड़ी खाने से। और वैसे भी खिचड़ी रात को ज़रूर खाना चाहिए, राजस्थान गुजरात में तो खिचड़ी खाते ही हैं रात को। तो देखने से नहीं काम चलेगा, अब चलो स्टार्ट करते हैं बनाना खिचड़ी। खिचड़ी के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया कढ़ाई में, कढ़ाई वाली खिचड़ी बनाएंगे। और हल्दी डाल दी है कलर के लिए, स्वाद अनुसार मैं नमक डाल देती हूँ पानी में। अब पानी पकने तक इसको थोड़ा सा चालू रखेंगे गैस। तो मैं एक कटोरी चावल ले लेती हूँ, एकदम बिना हुआ चावल है, साफ किया हुआ। दाल भी मेरी साफ की हुई छिलका वाली दाल है, एक कटोरी में दाल ले लेती हूँ। तो दोनों को हम मिला लेंगे अच्छे से, खूब पानी में धो देंगे। साफ करके मैंने कटोरी भर के दिखाई थी, आप भी साफ कर लेना। और पानी से मैं तीन चार बार इसको धो लेती हूँ। देखिए खिचड़ी में मिला ली, मिला के धो ली अच्छे से और खूब बढ़िया से मेरा साफ हो गया। तीन चार बार पानी से धोई हूँ क्योंकि एकदम साफ हो जाता है। और छिलका वाली दाल ली हूँ क्योंकि जो भी कोई बीमार आदमी हो या टेस्ट के लिए भी बढ़िया होती है, छिलका वाली दाल ही लेनी चाहिए। हो सके तब तक छिलका वाला दाल ही, मूंग का दाल है मेरा छिलका वाला। और अरुआ चावल है जिसको गोविंद गोभी बोलते हैं, तो आपके पास जो भी चावल हो वो ले लेना चाहिए। लेकिन दाल हो सके तब तक छिलका वाली हरा मूंग की दाल होना चाहिए, इससे क्या है खिचड़ी बढ़िया बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। देखिए पानी मेरा बॉयल हो गया है तो इसमें मैं डाल देती हूँ। देखिए बढ़िया से मैं मिला देती हूँ और गैस को धीमा रख देती हूँ। हाँ एक बात और बताना मैं आपको भूल गई हूँ, पानी का क्या है, मैंने दो खिचड़ी कटोरी ली हूँ, मतलब एक दाल का एक चावल का, तो दो हो गए कटोरी, तो मैं आठ कटोरी पानी का ली हूँ। तो आप ख्याल रखना, कढ़ाई में बना रहे हैं तो पानी एक बार थोड़ा ही डालना, बाद में थोड़ा गर्म करके डाल सकते हैं गाढ़ा खिचड़ी होने पर। और धीमी गैस करके छोड़ देती हूँ, गैस को धीमी रख देती हूँ और एक उसको ढक दूँ। लगभग 15-20 मिनट बाद में फिर हम संभालेंगे, गैस को एकदम धीमा करके रख देते हैं और ढक के रख देंगे। थोड़ा सा इसको एक साइड से खुला रखेंगे, आपका जगह खिचड़ी आपको निकल रहा हो तो आप संभाल लेंगे, अगर पानी कम हो तो पानी और डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा निकल रहा हो फंड रहा है तो आप दो चमची इसमें घी का डाल सकते हैं। तो क्या होगा, खिचड़ी हमको बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ, आपको बता रही हूँ। मेरा निकलेगा तो मैं डाल लूंगी, लेकिन मेरा नहीं निकलेगा मेरे को पता है। देखिए 10 मिनट हो गया, 10-12 मिनट तो मैं संभाल लेती हूँ। देखिए फूल गई है अच्छे से, बढ़िया से फूली है। तो देखिए एकदम संभाल लेते हैं, एकदम बढ़िया से फूल के तैयार हो गई है। तो इसमें मैं एक गिलास पानी डाल देती हूँ। और एक के और बात आपको बता देती हूँ, खिचड़ी बनाते समय आपको बीच में से बिल्कुल नहीं हिलानी है, अगर बीच में ऐसे चमचा लगा देंगे तो खिचड़ी लग जाएगी कढ़ाई में। देखिए एकदम तैयार हो गया, थोड़ा सा और समय लगेगा, तो समय लगेगा उसमें मैं क्या डालूंगी। अगर आप बीमार आदमी के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल भी भाव, अगर भाव या टाइफाइड, मतलब टाइफाइड निकला हो तो आप उस सामान कुछ नहीं डालना, खाली ऐसे ही प्लेन खिचड़ी देनी है, एकदम प्लेन, कुछ भी सब्जी नहीं डालनी है। अगर आपको जैसे कोई जुकाम लगी हो या बुखार हुई हो उसमें आप ये सामान डाल सकते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ली है एक कटी हुई, इसमें डाल देती हूँ। ये मैं छोटा छोटा आलू काट ली थी, ये भी डाल देती हूँ। ये दो मिर्च मेरे पास छोटी छोटी थी तो मैं काट ली, एक प्याज काट ली हूँ,
तो ये भी मैं डाल देती हूँ। और ये बरबटी छोटे छोटे पीस में काट ली ही, पहले मैं सब्जी को धोई हूँ, बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली। ये टमाटर है, टमाटर भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और ये अब हम एक नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम हिला लेते हैं। बर्तन आपको बड़ा लेना है, मेरा शायद छोटा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा, हो जाएगा नाप का ही है, लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो आपकी खिचड़ी बिखरेगी नहीं। आप बड़ा बर्तन लेना है, छोटा में नहीं बनाना है, क्योंकि खिचड़ी थोड़ा फैलती है तो बाहर निकलने का डर रहता है। और मैं थोड़ा सा इसमें 10 मिनट के लिए और पका लूंगी, गैस को धीमा ही गैस रखना है, थोड़ा और पकाना है। अभी वीडियो पूरा देखना है, वीडियो पूरा नहीं हुआ, खिचड़ी में और बाकी है। आपको एक ख्याल जरूर रखना है कि एक कटोरी खिचड़ी के लिए या आप दो कटोरी ले, लेकिन उससे 3 गुना पानी इसमें चढ़ाना है। और हल्दी नमक पहले ही डाल देना है, पानी पकने के बाद में खिचड़ी डाल देनी है धोके। उसके बाद में जो आधी पक जाए खिचड़ी, पूरा नहीं आधी पक जाए, तब वो सब्जी काट लेना है। मैंने एक शिमला ली थी, एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया, दो टमाटर लिया थोड़ा बड़ा बड़ा था, एक आलू लिया और थोड़ा सा नींबू का रस ली ही, थोड़ी सी छोटी छोटी हरी मिर्च काट ली थी छोटी छोटी। आपको अच्छा लगे तो आप डाल देना, नहीं तो जरूरी नहीं है। ऐसे आपको खिचड़ी पकानी है। किसी का तबीयत खराब हो तो आप ज्यादा मसाला नहीं डालना है, और तबीयत सही हो और मन किया खिचड़ी खाने का तो आप मसाला डाल के खा सकते हैं। खिचड़ी को छोंक के लिए मैंने 2 चम्मच घी डाल दिए इसमें। कोई भी घी ले सकते हैं, आपको गाय का ले सकते हैं या भैंस का भी ले सकते हैं। और बीमार आदमी के लिए थोड़ा सा आपको लगे कि सुगंध थोड़ा चाहिए, नहीं तो राक्षस भोजन हो जाता है, इसीलिए एक आधा चम्मच घी थोड़ा सा डाल सकते हैं, थोड़ा सा तो उसमें गाय का ही होना चाहिए। कढ़ी पत्ता ली हूँ। कढ़ी पत्ता का कभी भी आप सीधा नहीं डालना है, क्योंकि कढ़ी पत्ता तोड़ने से ही खुशबू अच्छी आती है, तो मैं इसको तोड़ देती हूँ ऐसे करके। थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, हींग के बिना कोई भी चीज में स्वाद नहीं आता, दाल या खिचड़ी। छोकर तैयार हो गया, अब इसमें मैं डाल देती हूँ। तो एक में ही 3 प्रकार की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। पहले वाला तो बीमार आदमी है, टाइफाइड वगैरह निकला हुआ है, वो खा ले सकता है। दोबारा वाला बूढ़ा बुजुर्ग के लिए खा सकते हैं। तीसरा वाला जो अपने फ्राई किया हुआ खिचड़ी, अपने मन पसंदीदा मसाला वाला खिचड़ी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। 3 प्रकार का खिचड़ी तैयार है। देखिए खिचड़ी बनके तैयार हो गई। खिचड़ी बहुत ही सुंदर बनी है, बहुत ही लाजवाब बनी है, एकदम देखने में चिकनी चिकनी खिचड़ी है। तो आप शायद, मेरे को लग रहा है आपको भी जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक तो जरूर करना है, बनता है। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, सब्सक्राइब कर दिए हो तो बेल घंटी को दबाना ना भूले, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।